हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे डब्ल्यू इंजिस के बारे में, जो कि स्कोर आता है डब्ल्यू इंजिस। और जस्ट ये सामने देख रहे हैं, ये डब्ल्यू इंजिस बोलते हैं इसको, जो कि 19 mm शटर में लगता है। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था एल और डब्ल्यू इंजिस के बारे में, कि जिसमें 6 mm, 12 mm और 19 mm की किस प्रकार से थिकनेस चेक की जाती है, वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे साइज़ 19 mm का है, और इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे 19 mm के पल्ले में आराम से फिट हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अपने वीडियो में जैसे वीडियो में प्रैक्टिकली लगा के भी देख लेंगे किस प्रकार से फिटिंग रहता है। अपने को यहाँ पे डब्लू में भी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा डब्लू वाला रहता है। जैसे हमने यहाँ पे एक राउंड का भी देखा था पहले, तो उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे दो पेयर रखे गए हैं, क्योंकि इनका दोनों का साइज़ सेम ही है, ये 19 mm के पल्लू में कवर करता है। तो इस तरीके से अपने जैसे यहाँ पे 19 mm का धार हुआ, तो उसके ऊपर ये अंदर बिठा के आराम से सेट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, पूरा अंदर बिठा देंगे प्लस प्लस करके। और पीछे की साइड में भी यहाँ से बराबर लेवल हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दोस्तों, यदि अपने को धार के ऊपर चढ़ाने के लिए 6 mm में भी आते हैं, 12 mm में आते हैं, 19 mm में आते हैं, जैसे अपने को चढ़ाना रहता है उस प्रकार से आराम से मिल जाता है बाज़ार में। और जैसे अपने पल्ले की थिकनेस ज़्यादा हुआ 19 mm का, से 1 इंच का यदि थिकनेस हुआ पल्ले की, तो वो भी आराम से मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जो 19 mm वाला रहता है, वो आराम से रेगुलर साइज़ का रहता है, तो उसमें आराम से मिल जाता है, तो दिखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए। अभी यहाँ पे एक पल्ले में डब्ल्यू इंच से लगा के फिटिंग करके फिट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पहले से ये डब्ल्यू इंच का है, अभी दिखाया था वही इंच है, और हमने यहाँ पे पूरा खांचा करके रेडी कर दिया है पट्टी को, जो 3 इंच ऐसे पूरा अपना इंच आता है उतना खांचा किया है, और जितना अपना 8 mm जितना यहाँ पे इस तरीके से हमने खांचा दिया गया है, तो ये आराम से पूरा बिठा देना है पीछे से लेवल करके। और यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट बच रहा है, ये पार्ट अपने को अंदर पट्टी के सामने की साइड में खांचना है, या बाहर निकला रहता है, वो भी आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से ऊपर और नीचे का दोनों आराम से खांचा मार देंगे, आराम से फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं रहती। यदि दोस्तों अपना आगे या पीछे रहता है ज़्यादातर, तो मिल नहीं पाते हैं, तो आराम से ऐसे में प्लस रखेंगे तो आराम से मिल जाएगा। हमने यहाँ पे हमने ड्रिल से पूरा किया है, यदि अपने पास ड्रिल हुआ था तो ड्रिल से कर देंगे, हाथ से करना है तो हाथ से कर देंगे, अपने आराम से आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऐसे दोनों को पहले ही फिक्स कर देंगे, दोनों इंजिस को। हमने यहाँ पे पूरे स्क्रू भी लगा दिए, यानी ये वापस खोलना पड़ेगा, ये खाली फिटिंग करने के लिए एक बार फिक्स करेंगे, और फिर लेमिनेट लगाने के लिए वापस खोला जाएगा। इस प्रकार से हमने सेट किया है। यहाँ जैसे सामने देख रहे हो, दोनों इंचिस लग के बिल्कुल रेडी हो गए, पीछे की साइड में लेवल कर दिया है, और यहाँ पे 19 mm का थिकनेस था उतना पूरा बिठा दिया है। और जो सामने की साइड में यहाँ पे 3 से 4 mm का बच रहा है, उसको भी आपको यहाँ पे लगाएंगे तो वार्डरोब की धार में दिखा देंगे किस तरीके से सेट करना है। तो उस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा खांचा करना रहेगा, तो वो खांचा करके आराम से बैठ जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे पूरा हमने यहाँ पे पूरा खांचा कर दिया है, तो आराम से बैठ जाएगा। यदि अपने को दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि यदि खांचा नहीं करना है, तो थोड़ा पल्ले को मोटा करना पड़ता है और पल्ले के अंदर खांचना पड़ता है उस चीज़ को, तो वो खांचा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आराम से अपने बिठा के पूरा इसको सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और इनमें जो सेटिंग की यदि बात की जाए, तो यदि आगे पीछे करना रहता है उसको, तो थोड़ा बहुत उसको उठाना पड़ता है करके, यदि पीछे की साइड में, यदि 19 mm अपना मान लीजिए कि 19 mm का पूरा प्लाईवुड नहीं है, तो वो कम कवर करेगा। यदि कई थिकनेस ऐसी रहती है प्लाईवुड में कि 19 mm की भी आती है उसमें, या 18 mm की आ जाए और 20 mm की आ जाए, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे अपना यहाँ पे पूरा लग के रेडी हो गया है, पीछे की साइड में भी यहाँ पे पूरा कवर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे बिल्कुल लग के रेडी हो गया है, और थोड़ा सा मामूली यहाँ पे कम कवर कर रहा है 19 mm से, यानी 18 mm के बीच ही कवर कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना रहता है।